तो स्वागत है आप सभी का एक नए और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं यूनिजन ऑडियो के दो प्रोडक्ट्स जो है यूनिपॉड्स और यूनिबैंड। और गाइस जो यूनिपॉड्स है उनकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे की है, सो अगर किसी को इसका वीडियो देखना है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। और गाइस आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं यूनिबैंड। सो गाइज ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइज इसमें आपको देखने मिलता है कई सारे बढ़िया फीचर, जैसे कि इसमें है वाइब्रेशन कॉल फीडबैक जो मैंने सबसे पहले देखा किसी नेकबैंड हेडफोन में, और उसके बाद आपको देखने मिलता है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी और कई सारे और भी फीचर्स है। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे है ये यूनिबैंड्स। तो ये है उसका एक्चुअल बॉक्स और बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे यूनिजन ऑडियो की ब्रांडिंग दी है, नीचे की तरफ लिखा है यूनिबैंड और वो एक्चुअल बैंड का इमेज यहाँ पे आपको देखने मिलता है। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ फीचर, जैसे कि 9 आवर्स का प्लेबैक टाइम, 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, इनकमिंग कॉल वाइब्रेशन, हैंड्स फ्री कॉलिंग और IPX वाटर रेजिस्टेंट। और पीछे की तरफ भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कई सारे फीचर जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो जैसे हम इसे ओपन करते हैं यहाँ पे आपको देखने मिलता है वो यूनिबैंड, कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन, उसका कैरिंग पाउच, माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो यहाँ पे हेडफोन के साइड में आपको देखने मिलते हैं यूनिजन ऑडियो की ब्रांडिंग और ऊपर का जो स्ट्रैप है आप देख सकते हो काफी फ्लेक्सिबल है, आप कैसे भी इसे बेंड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर ऑन ऑफ का बटन और एक LED लाइट इंडिकेटर। और साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है और एक माइक का इनपुट। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है वैक्यूम टाइप हेडफोन्स। और इसका जो पीछे का सरफेस है वो आप देख सकते हो स्टिकी सरफेस है, बेसिकली अगर आप जॉगिंग के लिए इसे यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी यूजफुल होता है। सो अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन और करते हैं ब्लूटूथ के साथ इसे कनेक्ट। सो गाइस अभी हम इसे वेयर करते हैं और आप देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबली ये बैठ जाता है। और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी और यहाँ पे हम करेंगे कॉल टेस्ट। तो दोस्तों जैसे आपने देखा है यूनिबैंड्स का अनबॉक्सिंग, गाइस सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे लगी जो है वाइब्रेशन कॉल फीडबैक, जो बहुत ही बढ़िया बात है। सो अगर आपका फोन साइलेंट पे है तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फीडबैक सुनाई देगा और गाइस जो वाइब्रेशन फीडबैक है वो भी काफ़ी बढ़िया था। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी की। सो अगर इसकी बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन हो जाती है सो 5 मिनट्स के चार्ज में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 1 आवर का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलता है IPX5 वाटर रेजिस्टेंट, सो बेसिकली स्वेट और वाटर प्रूफ है, मतलब अगर बारिश में आप जॉगिंग के लिए वगैरह इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस अभी हम बात करेंगे इसके साउंड क्वालिटी की। सो इसकी जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, बेस और वोकल्स काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको सुनाई देते हैं। और गाइस फिर हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे काफ़ी सुपर्ब आपको देखने मिलती है। और गाइस ये जो कंप्लीट नेकबैंड हेडफोन्स है ये आपको मिल जाएंगे 2000 रुपीज़ की प्राइस में अमेजोन पे। सो अगर किसी को इन हेडफोन्स को परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इन्हें परचेस कर सकते हो। और गाइस जो यूनिपॉड्स है जो मैंने पहले भी आपको उसकी अनबॉक्सिंग बताई थी, सो ये भी देखिए काफ़ी बढ़िया ये यूनिपॉड्स है और इसमें भी आपको देखने मिलते हैं कलरफुल LED रिंग लाइट और बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। इसमें भी आपको देखने मिलता है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। सो गाइस अगर किसी को इन दोनों को भी परचेस करना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो गाइस बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।